नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आयकर विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 बड़े व्यापारिक समूह के खिलाफ हालिया छापेमारी के दौरान 32 करोड़ रुपए की नकदी, 28 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। इनमें एक कारोबारी समूह का संबंध कथित तौर पर द्रविड़ मुनेत्र कसगम सांसद व जगत रक्षण से है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दोनों समूह के लगभग 100 परिसरों पर छापेमारी 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इनमें एक समूह पेशेवर शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है, जबकि दूसरा समूह शराब, दवा, अस्पताल और होटल क्षेत्र में सक्रिय है। उसी दिन कर अधिकारियों ने द्रमुक सांसद जगत रक्षण और उनसे जुड़े कुछ लोगों के घर भी छापा मारा था। जगत रक्षण विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में सक्रिय है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व दुमरा के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार की बदले की राजनीति की कोई सीमा नहीं है। आयकर विभाग के शीर्ष संस्थान सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि दोनों समूह के खिलाफ अभी तक की छापेमारी में 32 करोड़ रुपए की नकदी की बेहिसाब और 28 करोड़ रुपए का सोना जस्तु जब्त किया गया है। हालांकि आरोपी समूह या उनके प्रवर्तकों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि आरोपी समूह का संबंध जगत रक्षण से है। तो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों आईटी की रेड पड़ी है और इस रेड में 32 करोड़ रुपए नगद, 28 करोड़ रुपए का सोना जब्त कर लिया है। फिलहाल अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पिछले दोस्तों 2 हफ्तों से लगातार आईटी की रेड जारी है। अलग अलग राज्यों के अंदर ये छापेमारी चल रही है और काला धन भी मिल रहा है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।